ये हमारा आज का विषय रिक्लेमिंग कैसे भी सेक्टर है। प्रश्न ये उठता है कि क्या रिक्लेम करना है, हमने खोया क्या है जो हम रिक्लेम करें, क्या इतना इतने भर से काम चलेगा कि जो वहां से लगाए गए हैं पीड़ित है प्रश्न तो वहां से भद्रवाद छोड़कर चले आए हैं दोबारा घर वहां बसाएगा और रहने लगता है। अगर हम ये मानते हैं कि कश्मीर ने भारतीय संस्कृति को इतना कुछ दिया, उसके व्याकरण को, उसके शास्त्र को, दर्शन को, वेद को, नाटक को भी, अगर आज अभिनव गुप्त का नाट्य शास्त्र पर टिप्पणी नहीं आती, आज नहीं होती, तो हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पूरी तरह से नहीं जानते। जब तक अभिनव गुप्त की वो टिप्पणी प्रकाशित नहीं हुई तब तक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर अनेक विवाद थे, विद्वान आपस में गोष्ठियां करते थे क्योंकि वो अधूरा था, उसमें बहुत सारा चीज खो गया, बहुत सारे प्रक्षेप आ गए थे और नाट्य शास्त्र हमारे पास संपूर्ण रूप से था। जब अभिनव गुप्त की आई, उसे पढ़ा गया, उसकी व्याख्या की गई, उसके बाद आज ये बात है कि अगर कोई विवाद नाट्य शास्त्र के बारे में है, नाटक या नृत्य या इसके बारे में कोई विवाद है और उस पर अभिनव गुप्त ने कोई टिप्पणी की है तो विवाद समाप्त। हम को ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर जैसे अभी बताए केवल भूभाग नहीं, केवल थोड़े बहुत कुछ लाख लोग नहीं, वो एक संस्कृति है, वो भारतीय सभ्यता का वो अंग है जो उसको ऊर्जा देता है और उसे समकालीन बनाता है, उसे प्रासंगिक बनाता है। कभी हमने इस बात पर सोचना चाहिए कि आखिर इतना सारा साहित्य, इतना सारा ज्ञान उस कश्मीर घाटी में क्यों हो उत्पन्न हुआ, उसमें क्या था, क्यों लोग आकर जहां वहां साधना करते थे, क्यों नए शास्त्र करते थे, क्यों नई व्याख्याएं करते थे। थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं मैं, पौराणिक विवरणों के अनुसार ये घाटी कभी एक पूरा विशाल सरोवर थी सभी सर, लेकिन जब सरोवर थे, जब भी महासरोवर था तब भी लोग आसपास रहते थे, आसपास की पहाड़ियों के अंचल में, उनकी तराइयों में, घाटियों में जातियां रहती थी और ऐसे भी लोग रहते थे जो शायद पानी में ही रहते थे, पानी के छोटे छोटे टापू में रहते, जो जलचर से मतलब मच्छी वगैरह से गुजारा करते थे, पक्षी पक्षी मार कर गुजारा करते थे या जल उपज से गुजारा करते, इसीलिए उनके नेता को नाम जलोद्भव किया, जो जिसका उद्भव जिसका जिसका विकास जल से हुआ। ठंड आज से बहुत ज्यादा पड़ती थी, सर्दियों में झील सर्दियों में सरोवर जम जाता, अब शीशे की छत लग जाती थी पानी के ऊपर, उसके नीचे मछली भी नहीं मिल सकती थी, नदों भी नहीं मिल सकता था, कुछ भी नहीं मिल सकता। अब वो लोग जो जनजातियां वहां रहती थी वो मानव विकास के आदिम स्तर पर थे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती, तो वो आसपास की बस्तियों पर चढ़ाते थे, लूटते थे,
आसपास की बस्तियां थोड़ी बेहतर परिस्थिति में थी, थोड़ी खेती करती थी, थोड़े पशु पालते थे, उनके पशु ले जाते थे, अनाज ले जाते थे, और अगर विरोध होता तो थोड़ी मार मिले। इन लोगों को कुरान का उन्होंने नाग नाम दिया, नाग जाति। एक समय ऐसा आया कि वो इतने इतनी परेशान हुए कि उन्हें चारों ओर से सहायता की आवश्यकता थी, तो उन्होंने सशक्त ऋषि से सहायता मांगी। अब इस कहानी को आगे छोड़कर ये बता दिए कि उनके प्रयास से पानी उतरा घाटी में, उसके साथ मध्य देश से, मेरे मतलब गंगा यमुना की घाटी से, पंजाब से लोग भी बसने आए। जब बाहर से लोग बसने आते हैं तो क्लैश से कहते हैं, सुधांशु जी कह रहे थे क्लैश हो जाता, हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो आगंतुक लोग थे और जो आदिवासी थे उनके बीच में एक समझौता एग्रीमेंट। ये जो नाग थे वो पानी के किनारों पर रहते थे, पानी के स्रोतों के पास रहते थे, स्प्रिंग्स बहुत सारे चारों ओर थे, स्प्रिंग्स के पास रहते थे, क्योंकि वही पशु के भी पानी चाहिए, आदमी को भी चाहिए और बाकी खेती को भी चाहिए, और जो आगंतुक थे उन्हें खेती के लिए पानी चाहिए, उन्हें भी वही चीजें चाहिए। तो उसने एक समझौता हुआ कि हर चश्मे, हर स्प्रिंग, हर पानी के स्रोत पर नाग, जो मूल नाग था जो वहां रहते थे, उनका ही आधिपत्य माना जाएगा, लेकिन पानी सबके ही, पानी सबको उपलब्ध होगा, नाग की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आज जो कश्मीर में अगर देखेंगे अनंतनाग, वेरी नाग, चार नाग, कौंसर नाग, ये सब उन नागों के नाम है जो शुरू में कभी नागों के मुखिया रहे। और अब इतना प्रचलित हो गया है, नाग नहीं रहे, उनकी स्मृति बन रह गई, तो हर चश्मे को, हर स्प्रिंग को, हर स्रोत को नाग ही कहा जाता है। नाग का मतलब ही सो, ये सहभागिता, जीवन में सहभागिता, सामाजिक व्यवहार में सहभागिता का एक मंत्र जो उस आदिकाल में विकसित हुआ था जब समाज बहुत ही आदिम स्थिति में था, वो पूरी तरह से 14वीं शताब्दी तक जम्मू कश्मीर में बना था। जब अशोक आए तो अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे बौद्ध विहार बनाए, और जो पहले से, उनके आने से पहले से कश्मीर में बौद्ध धर्म पहुंच चुका था। कतल जी ने हमको बताया कि तीसरी संगीति के बाद भी कश्मीर की ओर में प्रचारक बौद्ध भिक्षु आ गए थे, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह पर स्थित था जहां से तिब्बत से होकर चीन और अफगानिस्तान से होकर वेस्ट एशिया और बल्किस्तान से होकर सेंट्रल एशिया तक जाया जा सकता था, और बौद्ध धर्म का प्रचार अगर इन सारे क्षेत्रों में हुआ है तो कश्मीर से। तो इसलिए अशोक से पहले ही बौद्ध प्रचारक कश्मीर में पहुंच चुके, उन सबका उद्धार करना, उनका सबका की मरम्मत करना या उनका विस्तार करना, ये अशोक ने किया। जो उस वक्त वैष्णव मंदिर थे उनका प्रसिद्ध, हमारे
और उस दक्षिण कश्मीर में जो ज्योतिष का बहुत बड़ा केंद्र है उसके बाहरी दीवारों की मरम्मत शुरू की थी। अशोक के कुछ शिव मंदिर भी बने और ये परंपरा जितने भी प्रसिद्ध राजा कश्मीर में हुए सबने अपना ललितादित्य भागवत थे यानी वैष्णव थे और जीवन भर भागवत रहे एक योद्धा थे। विशाल मंदिर 1951 से बनाए लेकिन सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति बृहद मूर्ति जो स्वामी की थी वो भी ललितादित्य ने बनाई। ललितादित्य ने ही ऐसे विहार बनाए जिसमें बाद में बात बाद में चीनी इतिहासकार आए बैठे महीनों रहे जो शिक्षा ग्रहण की और उनके बारे में लिखा। तो ये सहभागिता, ये सहभागिता केवल आर्थिक साधनों को बांटने की नहीं थी, सहभागिता विचारों की। आपका विचार सुनने के लिए मैं तैयार हूं और अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ हूं, नहीं लगता है कोई बात। इस आधार पर कोई संघर्ष, इस आधार पर कोई युद्ध नहीं हुए। एक बात, लेकिन एक बहुत बड़ी बात एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए होती है वो व्यवहारिकता, और व्यवहारिकता का रूप ही उसका ही एक रूप एक नाम हम स्टडी समझ लेंगे। दुर्भाग्य से भारतीय समाज का एक बहुत पुराना रूप रहा हम स्ट्रेटेजिकली सोचने वाले लोग नहीं। पूरा इतिहास भारत का देखिए, जब दुश्मन आपके आंगन हमारे आंगन में पहुंच जाता है तब हमें पता लगता है कि दुश्मन आ गया, उससे पहले हम नहीं जानते। घर के आंगन से भारत बाहर देखने की हमारी न इच्छा रहती थी न आवश्यकता हम महसूस करते। हमारे निकट के इतिहास में एक ही राजा एक ही शासक रहा है जो सही माने में स्ट्रेटेजिक था, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह अगर काबुल पर बिना वजह के उसमें उनके पास कोई कारण नहीं था कि वो काबुल पर हमला करें, लेकिन स्ट्रेटेजी के लिए अगर वो सोचने वाला राजा था तो उसे यह भी मालूम था कि अफगानों की एक आदत या उनकी मजबूरी ये होती है कि कुछ सालों में उन्हें आर्थिक तंगी, खासकर खाने पीने की तंगी इतनी ज्यादा परेशान करती है तो उन्हें अड़ोस पड़ोस के जब उनको समाजों को लूटना पड़ता। ये प्राचीन समय से हमारे इतिहासकारों ने इस तरह के समाजों को आयुद्धजीवी समाज कहा है जो अपने हथियार से जीते, ये अपने हथियार का इस्तेमाल करके ये हमले जरूर हुई और थोड़ी बहुत छटपटाहट रंजीत सिंह को अलग गई थी कि जिनके मिल रहे हैं जिनों के बीच खानापूसी हो रही है तैयारी हो रही है इसलिए उन्हें एक प्रीएम्प्टिव अटैक। और आपको याद रखना चाहिए कि तब से 1947 तक अफगानिस्तान के रास्ते से भारत पर कभी हमला नहीं हुआ। 47 में बाद में कबाई तस्वीर में आई तब तक नहीं, लेकिन इससे पहले मध्यकाल में ललितादित्य एक अद्भुत चीनी अनाज उस समय तान वंश में राज्य करता था
उनका वो रिकॉर्ड करते थे चाइनीज एनालिस्ट, उसमें वर्णन है कि महाराजा ललितादित्य, कश्मीर के महाराजा ललितादित्य का कहना है कि उसने अपने पांचों दरवाजों पर को सुरक्षित रख दिया है, इसलिए उसे किसी हमलावर की आशंका नहीं है। और पांच दरवाजे उन्होंने, एक दरवाजा काबुल में, एक दरवाजा केरल में, एक सिंध के तट पर, एक कहीं तिब्बत में। उनका कहना यह था कि कश्मीर का की सीमा या कश्मीर का सुरक्षा द्वार पंजाब में नहीं है, वो अफगानिस्तान में है, वो हमारी समुद्री सीमा पर है, वो चीन की सीमा पर है, तिब्बत से पार चीन की सीमा पर है। तो एक महत्वपूर्ण संस्कृति, एक सभ्यता मूलक विचार कश्मीर ने शुरू से ही पैदा कर दिया। हम सामाजिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर बिना कलेश के, बिना संघर्ष के रहने वाले लोग हैं, ये महत्वपूर्ण बात। लेकिन अगर हमारी आवश्यकता पड़ती है तो जो हमारे विचारों को नष्ट करने की, समाप्त करने की कोशिश करता है बल से, उसके लिए हम पहले से तैयारी कर सकते हैं, और उसमें केवल तैयारी नहीं कर सकते, हम जरूरत पड़ने पर समय से पहले वार भी कर सकते हैं। आप अभी मेरे विद्वान मित्रों ने बहुत पूर्ण तरीके से बहुत सारी बातें हमें समझाई। कपिल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वी हैव नॉट लॉस्ट अ लैंडस्केप, वी हैव लॉस्ट अ माइंडस्केप। हमने मन, विचार, प्रज्ञा, ज्ञान और सभ्यता मूलक बातें खो दी। केवल फौज के जरिए कश्मीर के हिस्से को अपने कब्जे में रखना पर्याप्त नहीं, इसलिए जरूरी है ये हम समझें कि कश्मीर की समस्या सुधांशु जी कहीं क्या आइडिया दुनिया जी कहीं, तो एक आइडियोलॉजिकल समस्या, वो समस्या ये है कि वो एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है कश्मीर में जो किसी दूसरे के साथ, दूसरे के विचारों के साथ रहना नहीं चाहता। मेरे मित्र कई साल से मुझे आग्रह करते रहे कि मैं कश्मीर पर एक पुस्तक लिखूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कश्मीर पर क्या लिखा जा सकता। 100 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं और कुछ बहुत अच्छी भी हैं, जिन्होंने मुझे अपने अनुभव के आधार पर लिखी है उनकी किताबें अच्छी पढ़ती हैं और बहुत कुछ उनमें से समझ में आ जाता, तो और क्या लिखा जा सकता। लेकिन इस आग्रह के कारण मैंने समझने की कोशिश की। मैं जब बच्चा था, गांव से उखड़ कर आया, कबाइली हमले में गांव से उखड़ कर आए थे, श्रीनगर में आश्रय कोई खास था नहीं, पिता रिटायर हो चुके थे, तो उन्होंने शेख साहब के इस बच्चा ब्रिगेड में शामिल हो गया और लकड़ी बंदूक कंधे पर रखकर गली गली घूमते थे, हम कश्मीरी हैं तैयार, हमला खबरदार। और वहां से होते होते शेख साहब के दूसरे बेटे का क्लास फेलो होने के नाते उनके घर तक पहुंच गए और उस घर से
क्योंकि वो मृत्यु तक मेरा नाता है। तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था और उनके दामाद को दुर्शा को। मैं महसूस करता था कि ये जो चीज सबको आसानी से समझ में आनी चाहिए थी वो हमारे भारतीय नेतृत्व को समझ में क्यों नहीं आई। मैं टाइम जर्नल ग्रुप में काम करता था, साल बहादुर शाह का फरमान हमारा दफ्तर होगा, उन दिनों शेख और इंदिरा गांधी के बीच में वार्ता हो रही थी, फिर से शेख को पुनः स्थापित करने की कोशिश हो रही थी वार्ता साथियों के साथ। और उस दौरान शेखुल्ला को उसी जहां हमारा दफ्तर था उसकी सड़क पार कोटला लेन पर 3 नंबर का मंगल, वहां मेरे लिए सिर्फ सड़क पार करना था शेख साहब के साथ मिलने को। और क्योंकि मुझे जानते थे तो मुझे रोकता था नहीं कोई, हर दूसरे किसी दिन में वहां उनके पास पहुंच जाता और कर सकता। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप दोनों इतने अच्छे दोस्त थे नेहरू और आप, तो विवाद क्या है, झगड़ा क्या है, तो क्या चाहते थे वो और क्या आप नहीं चाहते। और पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ ऐसी उनकी बात सुनकर। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मुझे ये धोखा दिया या ऐसा कुछ नहीं, हालांकि और सब नेताओं के बारे में वो काफी कुछ कहते रहे, पटेल भी, किदवाई के सरदारी भी वगैरह वगैरह। इनके बारे में कहा था कि वो चाहते थे कि मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों का नेतृत्व करूं, क्योंकि ये मेरी समझ में आ गया, क्योंकि कांग्रेस के पास मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो चुकी थी, अब्दुल कलाम माता बहुत बूढ़े हो चुके, इनफेक्टिव थे, और रफी अहमद की बहुत छोटा था, मामूली नेता, कोई ऐसा नेता नहीं था जो कांग्रेस को एक सेकुलर फेस दे सके, कोई मुस्लिम लीडर नहीं था। और शेख अब्दुल्ला आवाज देना एक पर्सन, आप नहीं कहीं से क्या हो रही, आप कभी ऐसा मौका आपको दे रहे थे और इसमें कभी आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, क्या नहीं मैं मुझे मंजूर नहीं है, क्यों नहीं। उन्होंने कहा आई वॉन्ट कश्मीर टू बी ए मुस्लिम स्टेट ऑलवेज, नॉट डेमोग्राफिकली ओनली बट कल्चरली एज वेल। ये जिंदगी में उन्होंने यही कहना चाहा और किया। नेहरू और शेख अब्दुल्ला दे वर ओनली यूजिंग ईच अदर, वो एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें शेख अब्दुल्ला कामयाब रहा और नेहरू कामयाब नहीं रहा। उन्होंने केवल उसे मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश नहीं की, उसे पार्लियामेंट्री गारंटी, भारतीय संवैधानिक गारंटी प्रदान करवा दी। तो इससे बेसिकली एक बात है, कांग्रेस जा सकता, इसमें बाकी सब चीजें कहीं नहीं, सोचने की ही नहीं। और दूसरी बात बड़ी बात जो मुझे, मैं जो मैं मानता हूं शेख अब्दुल्ला ने कोई आंदोलन महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नहीं चलाया, बल्कि कश्मीरियों ने कोई आंदोलन नहीं चलाया। कश्मीर का आंदोलन लाहौर में शुरू हुआ और दो बड़े इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स जिनके अपने अपने गर्ज, एक अहमदिया चीफ था बशीरुद्दीन महमूद, उसे महसूस हो रहा था कि अहमदिया सेक्ट पंजाब में फैल नहीं रहा, सुन्नी मुसलमानों का विरोध बहुत जोरदार है,
और वो वायलेंस पर उतर सकते हैं और वो वायलेंस के लिए तैयार नहीं थे, मतलब उनका उनकी जमात उतनी ताकतवर नहीं थी तब तक। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि कादियान से उठकर और लाहौर में वो लाए, लाहौर उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हेडक्वार्टर था, उसको एक डरने का आइडिया है, उसने कहा इफ नॉट पंजाब वाई नॉट कश्मीर, कश्मीर को कादियानी क्यों नहीं बनाया जाए, उनको अहमदिया क्यों नहीं बनाया जाए, और एक टीम भेजी गई कश्मीर, कश्मीर को एसेस करने के लिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो एक टीम कश्मीर गई, कश्मीर का दौरा करने के बाद जब वो वापस रिपोर्ट देने पहुंचे तो उन्होंने कहा मिर्जा साहब किस मुसीबत में फंसते जा रहे हो, नहीं कहा क्यों, उन्हें कश्मीर के मुसलमान पूरी तरह मुसलमान नहीं, वो उनमें से कुछ तो अपने आप को ऋषि के साथ सब जुड़ा हुआ मानते हैं, बहुत से शाकाहारी हैं, बहुत सारे उनके रसूमात, वो अगर आपको कश्मीरी मुसलमानों को जमात में देखना है तो आप दरगाह में जाएंगे, मजार पर जाएंगे, अस्थानों में जाएंगे, मस्जिद में। तो बशीरुद्दीन को पहले तो धक्का लगा, लेकिन बशीरुद्दीन उस समय के मुसलमान नेताओं में वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट लीडर्स थे जिसे इकबाल भी मानते, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले कश्मीरी मुसलमानों को सही मुसलमान बनाना है, और 35 से 36 स्कूल जो कश्मीर में शुरू किए गए, और उस वक्त शेख अब्दुल्ला कश्मीर वापस लौटे नहीं थे, वो अलीगढ़ से नहीं आए। When शेख अब्दुल्ला came, he found a complete change. और दूसरे बड़े नेता थे इकबाल, तो ऐसी हालत में हिंदुस्तान के मुस्लिम पॉलिटिक्स ने जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन, बशीरुद्दीन और इकबाल ने हाथ मिलाया और जम्मू कश्मीर कमेटी बनाई गई, वो भी लाहौर में बिना किसी कश्मीरी के, बिना कश्मीरी नेता से पूछे या उसकी सदस्य। और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बनी तब तक शेख साहब का कोई भी रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर में तब तक पारित नहीं माना जाता था जब लाहौर, जब तक कि वो लाहौर से अप्रूव कर, द होल मूवमेंट वाज कंडक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय कश्मीर कमेटी रन बाय लाहौर। सिचुएशन इस तरह की थी। ऐसी सिचुएशन को समझने के बाद अगर आज जो आज आंदोलन चला रहे हैं, जो हथियार चला रहे हैं, जो गोलियां खा रहे हैं, मर भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि आपने अपने लिए कब लड़ाई लड़ी, आपने अपनी गली के लिए, अपनी नाली के लिए, अपनी सड़क के लिए कब आंदोलन चलाया, तब आपने अपने जहां पर क्राइस के लिए आंदोलन चलाया, तब आपने अपने रोजगार के लिए आंदोलन चलाया, यू आर आप एक हाई सोसाइटी के शिकार हैं, और इसलिए आज अगर पिछले 18-20 सालों में जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्शन 18 गुना ज्यादा हो गया है तो इट्स नॉट सरप्राइज। जो ड्रीम आपने अपने नौजवानों को दिखाया है वो ड्रीम अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, वो नौजवान जिसके बचपन से जैसे कह रहे थे 6-7 साल की लड़की ने कहा जब मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे होंगे तो वो जहादी बनेंगे,
ये ड्रीम आपने 6 साल 7 साल के बच्चे से दिया है, अब वो नौजवान हो गया है, कॉलेज में पढ़ चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है या ट्रेनिंग कर चुका है, उसके बाद भी उसको लग रहा है, उसको यही नियम दिया गया है कि इस्लामी देश बनेगा, इस्लामी शरीयत चलेगी, और या फिर मरेंगे तो मरने के बाद वहां पूरी मिलेगी। ये सिचुएशन एक वक्त इस नौजवान के लिए ऐसी पोजिशन पर पहुंच जाती है जहां वो देखता है कि ड्रीम तो पूरा होगा नहीं, मैंने उस दुनिया का रहा, मैं इस दुनिया का रहा, और इस डिप्रेशन का एक रास्ता है चर्च होता है। वो लोग हम पिट गए, अपनी इज्जत को हम भाग गए, इसमें हमें कोई शर्म इसलिए नहीं लगती क्योंकि हम हथियारबंद लोग नहीं थे, हमने तलवार चलाना नहीं सीखा था, हम ज्ञान की बातें करते थे, शिक्षा हमारा गहना माना जाता था, इसलिए हमारे लिए तो विद्वान हर जगह ऐसे पलायन करते रहे, एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे, जालिम राजाओं के नीचे से उतरे। लेकिन हाउ डू यू हैंडल दिस मिलियंस ऑफ यूथ हु आर नाउ अंडर डिप्रेशन। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमको याद रखना चाहिए कि अगर हमें बचाना है तो हमें वो संस्कृति, वो एहसास, वो सिविलाइजेशन बचानी है, उसको जिंदा रखना है, उसको दोबारा रिपीट करना है, उसको अपने इतिहास का एक हिस्सा बनाना है। अक्सर कहा जाता है कि हिस्ट्री टीच यू द ओनली थिंग दैट हिस्ट्री डज नॉट टीच एनीथिंग, लेकिन ऐसा सच नहीं है। हिस्ट्री का एक दूसरा भी प्रभाव है कि जो हिस्ट्री को भूल जाता है, हिस्ट्री उसे भूल जाता है।